हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज द पॉइंट्स विथ पोजीशन वेक्टर 60 आई कैप प्लस 3 जे कैप एंड 40 आई कैप माइनस 8 जे कैप एंड कॉमा ए आई कैप माइनस 52 जे कैप आर कोलिनियर इफ द गिवन ऑप्शन आर ऑप्शन ए इज इक्वल्स टू -40, ऑप्शन बी इज ए इज इक्वल्स टू 40 एंड ऑप्शन सी इज ए इज इक्वल्स टू 20 एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ दिस। सो नाउ लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट फॉर द क्वेश्चन। तो यहाँ पे पहले हम लोग की कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। की कॉन्सेप्ट में हम लोग कंडीशन फॉर लीनियर कोलिनियरिटी देखेंगे। सो लेट अगर हमारे पास कोई वेक्टर ए एंड वेक्टर बी कॉमन लगा देते हैं यहाँ पे, वेक्टर ए बी एंड वेक्टर सी है एंड तीनों क्या है, कोलिनियर है। सो अगर यहाँ से हम लोग वेक्टर ए बी निकाले तो ये हमारा क्या हो जाता है, वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। ऐसे हम लोग ए बी और सिमिलरली हम लोग बी सी निकाल सकते हैं। ये हो जाएगा वेक्टर सी माइनस वेक्टर बी एंड सिमिलरली हम लोग वेक्टर सी ये निकाल दे सकते हैं। ये होगा वेक्टर ए माइनस वेक्टर सी। और यहाँ पे जो हमारा कंडीशन फॉर लीनियरिटी होता है, कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी, सॉरी इट्स नॉट लीनियरिटी, इट्स कोलिनियरिटी। सो यहाँ हमारा कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी होता है लेमडा ए बी वेक्टर इट इज इक्वल्स टू बीसी वेक्टर। सो यहाँ पे हमारा वेक्टर इस फॉर्म में रहेगा क्योंकि ये हमारा एक सिंगल टर्म है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ए बी वेक्टर क्या होगा, बीसी लैम्डा ए बी वेक्टर बीसी वेक्टर के इक्वल होगा। तो अब हम लोग इसको यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में हमें कुछ वेक्टर्स दिए हुए हैं, तो यहाँ पे हमको गिवन है, तो हम लोग मान लेते हैं, लेट हम लोग इसको वेक्टर एम मान लेते हैं। सो फर्स्ट जो हमें कंडीशन गिवन है उसको वेक्टर एम मान लेते हैं। वो है 60i+3j एंड एक और वेक्टर गिवन है जिसको हम लोग वेक्टर एन मान लेते हैं। तो हमारा वेक्टर एन है 40i-8j एंड जो हमारा थर्ड वेक्टर है उसको हम लोग क्या मान लेते हैं, वेक्टर ओ मान लेते हैं विच इज ai-52j। यहाँ पे हमको ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो पहले हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, एम एन वेक्टर निकालना पड़ेगा। सो एम एन वेक्टर हमको क्या मिल जाएगा, इट इज इक्वल्स टू वेक्टर एन माइनस वेक्टर एम। सो वेक्टर एन माइनस वेक्टर एम, तो ये हमको क्या मिल जाएगा, 40-60 विच इज इट बिकम -20i एंड -8-3 ये क्या हो जाएगा -11j। एंड अब हम लोग क्या निकालते हैं, हम लोग बी सी वेक्टर निकाल लेते थे, ये सॉरी बी सी नहीं, यहाँ पे हमने क्या माना है एम एन ओ। तो यहाँ पे अब हम क्या निकालेंगे, एन ओ वेक्टर, तो ये क्या हो जाएगा, ओ वेक्टर माइनस एन वेक्टर। तो एन वेक्टर ओ वेक्टर में से एन वेक्टर सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो पहले तो यहाँ हमें मिल जाएगा a-40 into i एंड देन यहाँ पे क्या है, -52 -52 -8 होगा तो क्या हो जाएगा, +8 हो जाएगा। तो यहाँ हमें बचेगा -44j। अब यहाँ पे हम लोग कोलिनियरिटी का कंडीशन अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे अप्लाइंग कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी, तो यहाँ पे कोलिनियरिटी का कंडीशन मैंने आप लोग को बताया था। तो यहाँ पे हमारा क्या है, वेक्टर एम एन है और एन ओ है, तो क्या हो जाएगा, लेमडा एम एन लेमडा वेक्टर एम एन इट इज इक्वल्स टू वेक्टर एन ओ। सो यहाँ पे लेमडा इंटू एम एन वेक्टर हमारा क्या है, हमने निकाला था a-40i एंड -44j, ये क्या हो जाएगा, अरे ये हमारा एन ओ का वैल्यू है तो ये एन ओ के इक्वल है, तो लेमडा हमारा इधर नहीं मल्टीप्लाई होगा, हम लोग लेमडा को, ये हमारी एन ओ की वैल्यू है, दिस इज एन ओ। तो हम लोग इसको किसी भी तरफ रखे, इक्वेलिटी का साइन है, तो इधर हम लोग क्या करते हैं, लेमडा इंटू एम एन की क्या वैल्यू है, एम एन की वैल्यू -20i -11j, तो इसको हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं -20i -11j क्या, 20i का एंड जी क्या, तो इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख देते हैं। ये हमारा क्या है, एम एन वेक्टर है। तो अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ तो a-40i
यहाँ पे है एन माइनस 44 जे, इट इज इक्वल टू लेमडा का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, -20 लेमडा इंटू आई एंड -11 लेमडा इंटू जे। अब क्या करते हैं, कंपेयर कर देते हैं दोनों तरफ को। सो ऑन कंपेयरिंग LHS एंड RHS, तो यहां से हमको क्या मिल जाएगा, आई के कोफिशियंस को इक्वल कर देते हैं एनजे के कोफिशियंस को। तो अगर हम लोग यहाँ जे के कोफिशियंस को इक्वल करें तो क्या मिल जाएगा, 11 लेमडा इज इक्वल्स टू -11 लेमडा इज इक्वल्स टू -44। सो यहाँ से हमें लेमडा की वैल्यू मिल गई 4। एंड अब इससे हम लोग अब क्या करते हैं, हम लोग आई के कोफिशियंस को इक्वल कर देते हैं। तो जब आई के कोफिशियंस को इक्वल करेंगे तो ए माइनस 40 इट इज इक्वल्स टू -20 हो जाएगा, इंटू लेमडा भी है साथ में। तो ए माइनस 40 इज इक्वल्स टू -20 इंटू 4 हो जाएगा यहाँ पे। सो यहाँ से क्या मिल गया, ए इज इक्वल्स टू 42 जा क्या हो जाएगा 80। सो -80 प्लस 40, तो यहाँ से हमको ए इज इक्वल्स टू मिल गया माइनस यहाँ पे 40 है, 20 यहाँ पे क्या है हमारा -40 इधर आया तो +40 हो गया, तो ए इज इक्वल्स टू मिल गया हमको -40। सो दिस इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन। नाउ लेट्स मैच द ऑप्शन। तो द करेक्ट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, विच इज ए इज इक्वल्स टू -40। होप यू विल अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।